नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, करदाता और कर प्रशासन के बीच विश्वास की कमी दूर हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को फल और सब्जियों की हवाई परिवहन में 50% की छूट देगी और लोक प्रसारण सेवा दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और संपर्क, जहाजरानी सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा। बैठक में आसियान भारत संपर्कों को और सुदृढ़ करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी और इसी संदर्भ में आसियान भारत कार्य योजना 2021-2025 को पारित करने पर भी विचार किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में कोविड 19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान देशों को सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में 16वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 8वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर संग्रह करने वाले शोषक की छवि बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी कर प्रशासन के कारण ज्यादा से ज्यादा करदाता देश की कर प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां करदाताओं के अधिकार और कर्तव्य परिभाषित हैं। करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ा है। आज का टैक्स पेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही सप्ताह में उसे रिफंड मिल जाता है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुलझा दिया है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है, तब वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है। कल ओडिशा के कटक में आयकर अपीली अधिकरण के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले कार्यालय और आवासीय परिसर के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब केवल 0.25% आयकर की जांच की जाती है, जिससे करदाताओं का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टैक्स टेररिज्म के ठप्पे को पीछे छोड़कर पारदर्शिता के युग में आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि निरंतर सुधार, कार्य प्रदर्शन और कायाकल्प की नीति की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों से ये संभव हुआ है। पहले की सरकारों के समय शिकायतें होती थी, टैक्स टेररिज्म, चारों तरफ यही शब्द सुनाई देता था। आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। टैक्स टेररिज्म से टैक्स ट्रांसपेरेंसी का एक बदलाव इसलिए आया है क्योंकि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम रिफॉर्म कर रहे हैं रूल्स में, प्रोसीड्यूर्स में, और इसमें
टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद ले रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं साफ नीयत के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ, और साथ ही साथ हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2024-25 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी में वित्तीय सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके लिए 81 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, परिसंपत्तियों के कुशल निर्माण और उनके उचित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग जल शोधन, जल आपूर्ति, अवशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार परियोजना लागत का 30% खर्च वहन करेगी और 30% खर्च राज्य सरकार या योजना का प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय वहन करेगा। यह योजना एक महीने के अंदर लागू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी है। इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, औषधि उद्योग, मोटर वाहन और उसके कलपुर्जे, कपड़ा और उससे जुड़े उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश को आकर्षित करेगी और निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा लगभग 2,00,000 करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 क्षेत्रों में PLI योजना लागू करने के कैबिनेट फैसले से निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अवसर मिलेगा, जबकि भारत दुनिया में निवेश की पसंद बनेगा। श्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि आत्मनिर्भर भारत को साकार करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने की दिशा में ये अहम कदम है। 10 प्रमुख क्षेत्रों में PLI योजना से भारतीय निर्माता वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगे और मूल क्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उत्पादन से जुड़ी PLI योजना को कैबिनेट की मंजूरी देने को भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री शाह ने कई ट्वीट करके कहा है कि PLI से भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिलेगी। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को अधिक कोविड संक्रमण वाले जिलों में नमूनों की जांच पर विशेष जोर देने की सलाह दी। डॉ हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उपयोग संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित मानक दिशा निर्देश सबसे शक्तिशाली सामाजिक टीका साबित हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में इलाज करा रहे कोविड मरीजों की संख्या घटी है, लेकिन 2.6% की उच्च मृत्यु दर चिंता का कारण बनी हुई है। डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों के हित में महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए अभिनव और प्रभावशाली निर्णयों की सराहना की। समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने उन्हें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 80,00,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 5.73% में ही संक्रमण मौजूद है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.48% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है। देश में कोविड में मृतकों की संख्या 1,27,571 हो गई है। गुजरात में कल 1,125 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 91.28 हो गई है।
गुजरात में कोविड 19 संक्रमण के अब तक 183,844 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 167,820 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,352 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 66,25,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 207 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 184 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,245 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 74 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 6 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड 19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,779 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर शहर के 27 व्यस्त क्षेत्रों में लगा प्रतिबंध हटाते हुए दुकानें रात 12 बजे तक खुली रखने की अनुमति दे दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड महामारी से अब तक 7,50,000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। कल 2,184 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धीरे धीरे पर्यटक स्थलों को आम लोगों के लिए खोल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड महामारी ने इस उद्योग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धीरे धीरे खुल रहे हैं। ऊटी, कोडेकानल और एयरकार्ड जैसे पहाड़ी रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन ट्रैवल रजिस्ट्रेशन स्लिप अब आसानी से दी जा रहे हैं। हालांकि चेन्नई में समुद्र तट अभी भी कोविड आशंकाओं के कारण जनता के लिए पूरी तरह से खुला नहीं है। मरीना बीच पर जाने पर लगे प्रतिबंध के बारे में चेन्नई कॉरपोरेशन ने बताया है कि नवंबर के अंत तक यह प्रतिबंध हट सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए चेन्नई से जय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद के महत्व की भी प्रशंसा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ करीबी और नियमित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना और क्षय रोग के खिलाफ भारत के अभियान जैसी देश की घरेलू पहलों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि भारत में 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, जिसका विषय इस बार कोविड 19 के लिए आयुर्वेद है। कोविड से बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से जीवन शैली और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में बातचीत की। उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन, दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, करदाता और कर प्रशासन के बीच विश्वास की कमी दूर हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को फल और सब्जियों के हवाई परिवहन में 50% की छूट देगी और लोक प्रसारण सेवा दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को हवाई माल भाड़े में 50% छूट उपलब्ध कराई है। मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत
अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के किसी भी क्षेत्र से माल ढुलाई में 50% की छूट उपलब्ध है। मंत्रालय, एयरलाइन कंपनियां, आपूर्तिकर्ताओं, माल भेजने या प्राप्त अभिकर्ता और एजेंटों को निर्धारित माल भाड़े में सीधे 50% की छूट देगा और वे बाकी माल भाड़े का दावा सीधे मंत्रालय से कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले किसान रेल योजना के अंतर्गत रेल माल भाड़े में भी इस साल 12 अक्टूबर से छूट दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी निवेशकों को देश के विशाल घरेलू बाजार और अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाते हुए भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। कल एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश उनके निवेश पर उचित लाभ प्रदान करता है। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के झटके से बाहर आ रही है और देश सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक था और भारतीय निर्यात भी सितंबर में 5% बढ़ा है। वस्त्र मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदें। उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वो इन वस्तुओं को उनके विक्रेताओं के चित्र के साथ #localfordiwali पर भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित रोडमैप 2030 जारी करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप विभिन्न विषय विशेषज्ञों से परामर्श कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को चार मुख्य विषयों बुनियादी संरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर केंद्रित किया गया है। रोडमैप तैयार करने के लिए इन विषयों पर न केवल वेबिनार आयोजित किए गए बल्कि उनमें नीति आयोग के प्रतिनिधियों, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव भी लिए गए। इन सुझावों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप की कार्ययोजना तैयार की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में मुंबई के कांदिवली से भारतीय जनता पार्टी विधायक अतुल भातखालकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राज्य में छठ पूजा मनाने की इजाजत देने का अनुरोध किया है। वार्षिक छठ पूजा समारोह उत्तर भारतीयों के लिए एक बहुत ही पवित्र पर्व है जो इस वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा की इजाजत देने का अनुरोध किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र सहित देश के 7 राज्यों में कोरोना वायरस स्थिति की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र द्वारा किए गए उपाय अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। इन उपायों में कोविड परीक्षण दरों में कमी, एचआरसीटी परीक्षण, प्लाज्मा और फेस मास्क की कीमतों पर नियंत्रण, निजी अस्पतालों में 80% बेड का आरक्षण, सभी नागरिकों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शामिल है। बैठक के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य के सभी निजी डॉक्टरों के लिए बीमा कवर की मांग की। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। राजेश टोपे ने राज्य सरकार द्वारा दिवाली और सर्दियों के मद्देनजर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक सावधानी बरतने के साथ परीक्षणों की संख्या बढ़ाने, शीघ्र निदान और शीघ्र उपचार पर भी जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी मुंबई। महाराष्ट्र में 19 से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए राज्य के कौशल विकास और अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मल्लिक ने लोगों से अनुरोध किया कि राज्य में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है।
ये दिन 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है। इस अवसर पर आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सलीम अली की जयंती है। 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली न केवल पक्षी प्रेमी थे बल्कि प्रकृतिवादी भी थे। उन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने देशभर में पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया था और कई किताबें लिखी ताकि भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके। मुश्किल तो यही है कि हमारा पॉपुलेशन इस कदर बढ़ रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल खत्म ही हो गया है, क्योंकि हर चीज में इंसान का दखल है। आप देखें कि जंगलों में जहाँ के जानवरों को रहना चाहिए वहाँ इंसान ने जाकर जंगल काट डाले और मैदान बना दिया, और अभी जो जंगल बाकी है उसको भी लेना चाहता है और उस पर हमले हो रहे हैं। सलीम अली को 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के बीच चर्चा जारी है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कल अपने सरकारी आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन दीपावली बाद हो सकता है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल इस महीने की 29 तारीख तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और विकास की दृष्टि से काम करते हैं। कल नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल से विकास के लिए काम करने की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यही मुद्दा आने वाले चुनावों में भी मुख्य मुद्दा रहेगा। 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं, अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनावरण करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत और मिशन देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि स्वामी विवेकानंद के विचार जितने उनके जीवन काल में प्रासंगिक थे आज भी वैसे ही बने हुए हैं। दुनिया में लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का कल निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। उनका अमरीका में इलाज चल रहा था। एक सप्ताह के लिए बहरीन में शोक की घोषणा की गई है और राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। सरकारी कार्यालय और मंत्रालय में आज से 3 दिन बंद रहेंगे। राज्य मीडिया के अनुसार प्रिंस खलीफा 1971 में बहरीन की आजादी के बाद सत्ता संभाले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में बहरीन के राजा, वहां शाही परिवार और बहरीन की जनता के साथ उनकी संभावनाएं हैं।
म्यांमार में रविवार को हुए आम चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग एनएलडी ने जीत हासिल करने का दावा किया है। हालांकि चुनाव परिणामों की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। शुरुआती मतगणना में एनएलडी के 400 के करीब सीटें जीतने की संभावना दिख रही है। वहीं विपक्षी यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी यूएसडीपी को केवल 21 सीटें मिली हैं। 2015 में हुए चुनाव में यूएसडीपी को 41 सीटें मिली थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। सिद्धार्थ सरकार के चुनिंदा सेक्टर की कंपनियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना लागू करने की मंजूरी को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स लिखता है इकोनॉमी की रफ्तार 10 सेक्टरों में 2 लाख का दिवाली गिफ्ट। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है उत्पादन क्षेत्र को 2 लाख करोड़ का बूस्टर डोज। बकौल हरी भूमि अगले 5 साल 10 सेक्टरों में होंगे 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के संबोधन को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता लिखता है नीतीश के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे प्रधानमंत्री। हिन्दुस्तान की सुर्खी है मोदी बोले ये चुनाव भविष्य का संकेत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं बिहार में सच विकास और भरोसे की जीत। हरिभूमि लिखता है पीएम मोदी बोले सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र की जीत। बकौल दैनिक जागरण परिवार वाली पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सीमा विवाद पर पंजाब केसरी की सुर्खी है 3 चरणों में पीछे हटेगी भारत चीन सेना। वीर अर्जुन के शब्द हैं चीनी फौज लद्दाख से पीछे हटने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है 3 चरणों में टैंक सैनिक पीछे हटाएंगे भारत चीन। सरकार के ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म द्रविशिष्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों की सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने के फैसले को जनसत्ता ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान सख्ती शीर्षक से लिखता है ऑनलाइन सामग्री पर सरकार नजर रखेगी। दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपनी बैनर हेडलाइन बनाते हुए लिखा है न्यूज पोर्टल सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन अब फेक न्यूज पर कार्रवाई संभव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा करदाता और कर प्रशासन के बीच विश्वास की कमी दूर हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। सरकार पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को फल और सब्जियों के हवाई परिवहन में 50% की छूट देगी और लोक प्रसारण सेवा दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।